हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टम मैंगो कुल्फी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। ये बहुत ही टेस्टी होता है और सबको बहुत पसंद आता है। हम आम लेंगे पका और उसके पीछे के हिस्से को इस तरह से काट लेंगे। चाकू की सहायता से हम आम के चारों तरफ से कट लगाएंगे ताकि हमारी गुठली अच्छे से निकल जाए। इस तरह से हमें कट लगाना है। देखिए, गुठली को निकाल लिया है मैंने। ये देखिए, इस तरह से इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसे गर्म करेंगे और इसमें 2 कप दूध डालेंगे और दूध को गाढ़ा होने तक हमें इसे चलाते रहना है। और इसे चलाते रहना है ताकि साइड साइड से ये कढ़ाई में ना लगे। दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है और इसे कढ़ाई में अच्छे तरह से इसे साइड साइड से इसको साफ कर दे ताकि चारों तरफ लगे नहीं। अब हम इसमें, आप इसमें 5-6 चम्मच चीनी डाल ले। मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके 3 बार, 2-2 चम्मच करके 3 बार चीनी डाला है। आप इसे एक बार में ही 5-6 चम्मच ले ले। आपका आम जैसे मीठा है उसी हिसाब से आपको इसमें चीनी डालना है, क्योंकि हमारे मैंगो स्टम कुल्फी के अंदर जाने पर इसका मीठा कम, कुल्फी हमारी मीठी कम ना लगे, इसीलिए हमें इसे आम के मिठापे के अनुसार ही चीनी डालना है। ये देखिए, अब हमारा दूध लगभग गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस को, ये देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है। हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। एक कटोरी मैंने इसे निकाल लिया और ठंडा होने के लिए रख दिया है। मैंने जो आम को फ्रिज में डाला था ठंडा होने के लिए, उसे निकाल लेंगे फ्रिज से और उसमें हम ये दूध का जो मैंने बनाई है रबड़ी को इसमें हम मैंगो में इसमें डाल देंगे। इसके पूरे ऊपर तक भरना है ताकि हमारी कुल्फी खाने में भी टेस्टी लगे और दिखने में भी अच्छी लगे। ये बहुत ही टेस्टी यम्मी होता है, इसे आप अपने घर पे ज़रूर बनाएं। ये बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है और आम तो हर सीजन मिलता नहीं, आम का सीजन यही है। और आप इसे बनाएं और देखें ये कैसा बनता है और हमें बताएं। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये कैसा बना है हमें ज़रूर बताएं। और इस तरह से हम आम को फिर छील लेंगे। कुल्फी हमारी जम चुकी है, मैंने इसके आधे घंटे के फ्रिज में डाला था और ये जम चुका है। और इसके छिलके को हम इस तरह से छील लेंगे और चाकू की सहायता से काट लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से नारियल का बुरादा डाल देंगे। आप नहीं भी डाल सकते हो, मन है आपका तो डाल दो नारियल का बुरादा, नहीं तो नहीं भी डाल सकते। और मैंने 2-4 बादाम ऊपर से एक एक डाल दिया है ताकि उस दिखने में अच्छा लगे।
तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें।